पब्लिक टीवी आपकी आवाज। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद देखिए कल थाना दिलारी के अंतर्गत सुबह करीब 6 बजे के आसपास में सूचना मिली थी कि आदलपुर जो गांव है वहां पर गली के अंदर पुलिस के मुताबिक एक स्कूटी गिरी हुई है, उसके नीचे एक व्यक्ति पड़ा हुआ है। इसी पे थाना प्रभारी दिलारी के द्वारा जाके घटनास्थल पर जांच किया गया तो पाया गया कि वहां पे एक व्यक्ति बाबू पुत्र पकीरा निवासी आदलपुर थाना दिलारी ये अपनी स्कूटी के नीचे गिरे हुए थे और जब देखा गया इनको तो इनके गले में जो गला कसने का मार्क्स दिखाई दे रहे थे और इसी पे फिर आगे पूरी जांच पड़ताल की गई। फॉरेंसिक टीम और हमारी जो एसओजी टीम है और सर्विलांस टीम के माध्यम से इसमें काफ़ी जांच पड़ताल किया गया। इनके मोबाइल वगैरह का पूरा जब इन्हें इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस के माध्यम से चेक किया गया तो जानकारी मिली कि ये भोजपुर थाना क्षेत्र में कहीं पर काम करते थे और शाम को 5 बजे के आसपास में अपने घर के लिए निकले थे और रास्ते में इनको कुछ लोग मिले और उनके द्वारा फिर इनके साथ में एक घटना कारित की गई जिसमें इनके मोबाइल जो के सीडीआर के माध्यम से दो लोगों का नाम प्रकाश में आया। एक सद्दाम पुत्र मुन्नन है, ये नागपुर बगिया बाला कस्बा थाना भोजपुर के रहने वाले हैं और दूसरे इसी गांव के मुस्तफा पुत्र मोहम्मद उमर है। इन दोनों के द्वारा इस घटना को अंजाम दिया गया था और ये जानकारी मिली है कि पहले जो बाबू है वो पहले भोजपुर थाना क्षेत्र में रहते थे और वहाँ पर इनकी पत्नी के साथ में जो सद्दाम इनके इलिसिट रिलेशन हो गए थे उसके बाद में इसी बात को लेकर ये वापस अपने गांव में जाके रहने लग गए थे बाबू और इस दौरान भी इनका आना जाना वहां पे रहा था। तो कल जब ये घटना हुई है उससे पहले की रात्रि में इसी बात को लेकर दोनों में कहासुनी हुई और उसके बाद में फिर इसने उसका जो गला है वो रस्सी के माध्यम से गला कस दिया और उसके बाद में जब ये मर गए तो उसके बाद मुस्तफा और इन दोनों ने स्कूटी पे इनको बिठा के और इनके घर से करीब 50 मीटर की दूरी पे इनको स्कूटी के नीचे गिरा के और वहाँ से फिर ये अपने वापस अपने स्थान पे आ गए थे। आज इन दोनों की गिरफ्तारी की गई है, सद्दाम और मुस्तफा की, और इनको गिरफ्तार करके जेल भेजा जा रहा है और आगे की इसमें इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। पब्लिक टीवी आपकी आवाज़।